चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन. सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय रेन रूट सीरीज. और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 द सेंटेंस. ओके, सो हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे एक सेंटेंस लिखा जाता है, और उन सबसे पहले कि सेंटेंस होता क्या है. राइट, तो चलिए आगे चलते हैं. क्या होता है बच्चों एक सेंटेंस, बताओ? एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है. राइट, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड, जो अरेंज होता है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग. इसका मतलब है बच्चों कि जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड से अरेंज तरीके से कोई सेंटेंस बनाते हैं तभी वो हमें समझ आता है. और जो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाता है, राइट, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड ठीक से अरेंज हुए होते हैं, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. राइट, सो एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे सामने, इज सुप्रिया गुड गर्ल ए. सो ठीक है, आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा, लेकिन क्या ये कोई सेंस बना रहा है, इज सुप्रिया गुड गर्ल ए? नहीं. डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस? नो. लेट अस रीअरेंज देम. अब हम क्या करते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम रीअरेंज करेंगे. सो हमने रीअरेंज करा और वो क्या बन गया, सुप्रिया इज अ गुड गर्ल. अब समझ में आ रहा है ना सबको? नाउ द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस. ओके, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, इज यहाँ भी है, सुप्रिया यहाँ भी है, गुड भी है, गर्ल भी है, ए भी है, लेकिन अब इन्हें हमने ठीक से अरेंज किया तो इनसे क्या बना, एक कंप्लीट सेंस बना. सो इसी को हम कहते हैं सेंटेंस. ये कोई सेंटेंस नहीं है, दिस इज द सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंस क्या होता है बच्चों, जो हमें समझ आए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाए वो होते हैं सेंटेंस. चलिए अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं. तो सबसे पहले है हमारे लिए असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पीरियड. पीरियड किसे कहते हैं बच्चों, फुल स्टॉप को. ओके, हमेशा असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. ओके, और एंड होता है फुल स्टॉप पर. ठीक है, सो जो सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है वो कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. बच्चों जब हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, या कोई कमांड कर दे रहे होते हैं, जैसे कि शट द डोर, क्लोज द विंडो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, सो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि एग्जाम्पल भी है हमारे पास, प्लीज ओपन द डोर. ओके, यहाँ है हमारे पास इंटरप्रिटेशन बॉक्स, चलिए इसे पढ़ते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमेशा एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप पे. अ क्वेश्चन मार्क, अगर उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कैसे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क पे. और अगर उस सेंटेंस में कोई सरप्राइज शो किया गया है या कोई दुख शो किया गया है तो उसे हम एंड करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क से. ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे लिए है असर्टिव सेंटेंस. नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ये, स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं फुल स्टॉप पे. इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब हम कोई कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो जो सेंटेंसेस हम लिखते हैं उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, सो लेट्स गो अहेड. नंबर 3 इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो ये हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से. इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. एग्जाम्पल है, आर यू गोइंग टू प्ले इन अ पार्क, क्या आप पार्क में खेलने जा रहे हो. सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो लास्ट में आपने क्या पुट किया, क्वेश्चन मार्क. ओके, नेवर फॉरगेट
टू पुट अ क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये यूज होता है टू एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जैसे मैंने आपको बताया, सरप्राइज हो गए, दुख हो गया, कोई मैच जीत गए तो हम कैसे कहते हैं ना, हुर्रे, वी वॉन द मैच. सो इसको लिखते हुए हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है ओह, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, आई लॉस्ट माई मैच. ओके, सो वी गो अहेड नाउ. यस, सो दिस इज द एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है बच्चों, अरेंज द वर्ड्स इनटू करेक्ट सेंटेंसेस. आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है. यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल जंबल्ड हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा उनका. अब हम इन्हें एक सेंसिबल वे में लिखेंगे. ओके, एंड पे अटेंशन टू योर स्पेलिंग्स. आपको अपनी स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर वन इज अ न्यू टीवी सेट, माई फादर अस बॉट. सो माई फादर बॉट अस अ न्यू टीवी सेट. मैं यहाँ पर आपको नंबरिंग करके दिखा रही हूँ एंड यू विल राइट इट. ओके, सो आप कैसे लिखोगे, माई फादर. सो आप सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है. ओके, माई फादर bought us a new TV set. और हमेशा एंड कैसे करना है, फुल स्टॉप पे, राइट? इन इंग्लैंड लिव्स इन एन अपार्टमेंट द फैमिली इन अ बिग सिटी. सो चलिए इसे अरेंज करते हैं. इन इंग्लैंड द फैमिली लिव्स इन अ बिग सिटी इन एन अपार्टमेंट. ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि अब आप इन्हें बोलोगे ना, जैसे माई फादर बॉट अस अ न्यू टीवी सेट, तो इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, राइट? अब जैसे थर्ड वन है, सुकर प्लेड ड्यूरिंग द ब्रेक एलेक्स एंड साशा. सो कोई सेंस नहीं बन रहा है, हम इसका सेंस बनाते हैं, एलेक्स एंड साशा प्ले सुकर ड्यूरिंग द ब्रेक, राइट? चलिए, ऑल द फैमिली मैरी टू द पार्टी इन्वाइटेड. ओके, मैरी इन्वाइटेड ऑल द फैमिली टू द पार्टी, राइट? चलिए, टू द बीच गो माई फ्रेंड्स एंड आई एवरी वीकेंड. माई फ्रेंड्स एंड आई गो टू द बीच एवरी वीकेंड, राइट? चलिए, सिक्स्थ वन, डिफिकल्ट जर्मन इंग्लिश इज देन मोर मच. कोई सेंस बन रहा है, समझ आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अब हम इसको बनाएंगे सेंसिबल, कि जिससे इसका कंप्लीट सेंस हमें समझ में आए. सो जर्मन इज मच मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश. जर्मन इज मच मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश. Weather better today than much is yesterday the. So today is the much better weather than yesterday. Okay, so today is the much better weather than the yesterday, right? या फिर हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे टुडे इज, यहां से थ्री नम हटा देंगे, टुडे इज मच बेटर वेदर देन द यस्टरडे, राइट? टुडे इज मच बेटर वेदर देन द यस्टरडे. ओके, सो इस तरह से हमने इन्हें अरेंज कर लेना है बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस में. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, द सेंटेंस, और सेंटेंस वही है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, राइट? चलिए आगे चलते हैं. यस, द बी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को पढ़ना है एंड एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क. और करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगानी है आपने. पंक्चुएशन मार्क मतलब फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, राइट?
और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं, असर्टिव हैं, इम्पैरेटिव हैं, इंटरोगेटिव हैं या एक्सक्लामेटरी हैं। सो फर्स्ट वन इज सैम वेंट टू द बीच विद हिज फ्रेंड्स। ओके, इट इज स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज सिंपल सेंटेंस, असर्टिव, राइट। चलिए आगे चलते हैं। What an amazing view! What an amazing view! So this is exclamation. What an amazing view! हम बहुत हैरान हो रहे हैं उस view को देखकर। So ये हो गया हमारा exclamatory. अब ये आप confused नहीं होंगे कि यहाँ तो what आया है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई question नहीं पूछा जा रहा किसी से, okay? हम surprise हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। What an amazing view, right? चलिए प्लीज़ हेल्प मी नाउ। अब आप यहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका? इम्पेरेटिव। वेरी गुड। नाउ द फोर्थ वन, आर दो दीज योर बिलोंगिंग्स? क्या ये सब आपकी चीज़ें हैं? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा, सो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना है और उसके बाद हम लिखेंगे कि ये है इंटेरो गेटिव, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द कलर ऑफ द स्काई लुक्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग सनसेट। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप, और ये हो गया हमारा असर्टिव। ओके बच्चों, आई रिक्वेस्ट कि आप भी सब अपनी बुक में ये मेरे साथ करते जाएं ताकि आपको समझ आ जाएगा। व्हेन विल यू कंप्लीट द वर्कशीट्स? आप ये वर्कशीट्स कब कंप्लीट करोगे? सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना है एंड वी विल राइट ए हेयर इंटरोगेटिव, राइट। सो हमने लिखना है इंटरोगेटिव। लिसन अटेंटिवली, हम क्या कर रहे हैं? हम कमांड दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। सो यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा एंड यू विल राइट हेयर इम्पेरेटिव। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैरी बेथनी वो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू हेड अ फेडरल एजेंसी। दिस इज सिंपल सेंटेंस, सो यहां पर आएगा असर्टिव। ओके, रिटर्न द बुक्स व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद देम। सो बुक को रिटर्न कर दो जब आप उन्हें पढ़ चुके हो। आई एम डूइंग फ्रॉम पॉइंट 9 अगेन। रिटर्न द बुक्स व्हेन यू हैव फिनिश्ड विद देम। ओके, बुक्स रिटर्न कर देना जब आप उन्हें पढ़कर ख़त्म कर चुके हो, सो या जब आप उन्हें फिनिश कर चुके हो। सो ये एक एडवाइस भी हो सकती है। सो वी विल राइट हेयर इम्पेरेटिव। और वी सॉ द न्यू टाइगर एग्जिबिट एट द जू। दिस इज सिंपल सेंटेंस, सो इट विल बी असर्टिव। सो आई होप चिल्ड्रन के इस तरह से आपको पता चल रहा होगा कि कौन से सेंटेंस असर्टिव की कैटेगरी में है, कौन से इम्पेरेटिव, कौन से इंटरोगेटिव और कौन से एक्सक्लामेटरी, राइट। सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। हर तरह के सेंटेंस का एक एग्जाम्पल आपको बताना है, राइट। सो असर्टिव, असर्टिव कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि My mother, okay, cooks food for me. Simple sentence है, My mother cooks food for me. Imperative, please शट द डोर। फुल स्टॉप आएगा इसमें भी। अब एक्सक्लामेटरी, राइट। हुर्रे, वी वॉन द मैच। ओके, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब आपने यहां पर देखा मैंने एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया है। इंटरोगेटिव, आर यू
going to Delhi tomorrow. अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो. अब इसमें क्या गलती है आप बताएंगे मुझे. येस, आई डिडंट पुट क्वेश्चन मार्क. हमें क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है. ओके, सो प्लीज आप अपनी तरफ से भी बच्चों को एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर आप इन्हीं को कॉपी कर सकते हैं. ओके, सो वी गो अहेड नाउ. दिस इज डी एक्सरसाइज. एड सुटेबल वर्ड्स टू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस तो बनना ही चाहिए बिकॉज वॉट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग सेंटेंस. ओके, चलिए बनाते हैं. सीमा हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस. सीमा के पास एक ब्यूटिफुल ड्रेस है. ग्रैंड मदर, ग्रैंडमा इज गोइंग टू टेम्पल. ओके, अ ग्लास ऑफ वॉटर यहां पर लिखा हुआ है. अब हमें इससे पहले लिखना है. सो क्या लिखेंगे हम, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव. और ये दोनों कौन से हो गए बच्चों, असर्टिव. राइट, चलिए. हैज 10 कैंडीज. सो रवि हैज 10 कैंडीज. So, ये भी असर्टिव हो गया. माई हाउस हैज अ बिग गार्डन. राइट, माई हाउस हैज अ बिग गार्डन. ये भी असर्टिव. डैश इज गुड फॉर हेल्थ. सो एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. ओके, ये भी असर्टिव. क्लोज द विंडो. खिड़की बंद कर दो कमांड दी जा रही है. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव. स्विच ऑफ द लाइट्स, ये भी हो गया इंपेरेटिव. ओके, अब यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट टुडे. सो हैव यू डन, Have you done breakfast today? Okay. या फिर हम इसके यहां पर यह भी लिख सकते हैं, Will Sita cook breakfast today? Okay. Riding a new car. My elder brother is riding a new car. Okay? So, इस तरह से बच्चों आप इस इन सेंटेंसेस को बना सकते हो. My elder brother is riding a new car. Okay? So, please copy कर लें आप इन्हें अपनी बुक में. Okay? And I hope कि अब आपको चारों तरह के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे. Assertive, imperative, interrogative और एक्सक्लामेटरी. और बच्चों जब तक किसी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस ना बने तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होता. तो हमें वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि सेंटेंसेस का कंप्लीट सेंस बन सके. सो वी गो अहेड. सो दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज एंड आई वॉन्ट यू टू डू इन योर होमवर्क बिकॉज ये बहुत ही फन एक्सरसाइज है. असर्टिव सेंटेंसेस को आपने पर्पल में कलर करना है, इम्पेरेटिव को रेड, इंटरोगेटिव को ग्रीन में और एक्सक्लामेटरी को ऑरेंज में. ओके, यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन्हें पहचानना है और कलर करना है. ओके, सो कुछ मैं आपको पहचानने में हेल्प करती हूँ. कीप योर वॉइस डाउन. सो ये क्या है बच्चों, कमांड है. तो ये कौन सा है हमारा, इम्पेरेटिव. हम इसे किस में करेंगे, रेड में. राइट, अब आप इसको रेड कलर से कलर कर दो. आई कांट बिलीव इट्स संडे, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और आप इसको किस में करोगे, ऑरेंज. राइट, माई फेवरेट कलर इज ब्लू. अब ये है असर्टिव. राइट, और आप इसको किस में कलर करेंगे, पर्पल. ओके, इस तरह से आपको इन्हें पहचानना है और फिर इन्हें करना है. दिस विल बी योर होमवर्क. राइट,
सो बच्चों इसी तरह से आपको नेक्स्ट पेज पे भी और दिए हुए हैं सेंटेंसेस, जैसे हाउ आर यू डूइंग, सो ये आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हो, सो इंटरोगेटिव के लिए आपको जो कलर दिया गया है आप उसे यहाँ कलर कर देंगे. माई कजन इज मूविंग अवे, दिस इज सिंपल सेंटेंस, असर्टिव. सो जो भी कलर आपको असाइन है असर्टिव के लिए आप उसे यहाँ पर कलर करेंगे. ओके सो है ना बड़ी मज़ेदार सी एक्सरसाइज और बहुत ईजी है बच्चों पहचानना. सिंपल सेंटेंसेस आर असर्टिव, जिनमें क्वेश्चन पूछा गया है वो इंटरोगेटिव, जिनमें कोई कमांड दी गई है, कोई एडवाइस है या कोई रिक्वेस्ट की गई है वो है इम्पैरेटिव, और जहाँ कोई सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हुई है, एक्सप्रेस कोई सरप्राइज शो किया गया है या फिर कोई सॉरो एक्सप्रेस किया गया है, कोई दुख दिखाया गया है, वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और आपको उसे एक्सक्लेमेशन पे जो कलर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कलर करना है. राइट सो आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. ओके बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन होता है बच्चों जिसमें हमें कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाता है या फिर कोई पोयम दी जाती है और बाद में पोयम और पैराग्राफ के बाद उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. राइट सो हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करनी है सो हमें उस पैराग्राफ को या फिर जो भी हमें दिया गया है उसे बहुत थॉरली मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना है. ओके सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक, अ जंगल स्टोरी. सो हमें क्या करना है बच्चों, रीड टू गौरव स्टोरी एंड सजेस्ट द टाइटल, हमें टाइटल भी सजेस्ट करना है. ओके माई ब्रदर रोहित एंड आई, मेरा भाई रोहित और मैं, वर ऑन अ जंगल वाइल्ड लाइफ हॉलीडे, हम कहाँ थे, जंगल वाइल्ड लाइफ हॉलीडे पर विथ सिक्स अदर पीपल एंड समीर आर गाइड, मतलब मेरे और मेरे भाई के अलावा सिक्स दूसरे लोग भी थे और समीर था जो हमारा गाइड था. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड वी सॉ लॉट्स ऑफ मंकीज, ओके क्रोकोडाइल्स एंड ह्यूज स्नेक्स. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, हमने बहुत सारे मंकीज देखे, स्नेक्स देखे, क्रोकोडाइल्स देखे. क्रोकोडाइल किसे कहते हैं बच्चों, मगरमच्छ होते हैं ना उन्हें कहते हैं क्रोकोडाइल. बट वन मॉर्निंग रोहित एंड आई डिड अ वेरी स्टूपिड थिंग, रोहित और मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ करी. क्या करी बच्चों, वी वॉन्टेड टू टेक फोटोज ऑफ मंकीज, हम मंकीज की फ़ोटो लेना चाहते थे. वी गॉट अप अर्ली एंड वॉक्ड इन टू द जंगल, हम जल्दी उठ गए और जंगल में चले गए वॉक करने के लिए. वी डिडेंट हैव टू गो फार बिफोर वी हर्ड, हमें बहुत ज़्यादा भी हम नहीं गए इससे पहले ही हमने क्या सुना, मंकीज़ की आवाज़. वी वर एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड थे एंड वी फॉलोड द मंकीज़ फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और हमने 10 मिनट्स तक मंकीज़ को फॉलो किया. सडनली अचानक रोहित स्टॉप, रोहित रुक गया. ही वॉज वरिड, वो वरिड था, उसे चिंता हो रही थी. आई एम नॉट गोइंग टू वॉक फर्दर, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ. ही सेड वी विल गेट लॉस्ट, हम खो जाएंगे. आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ. वी लुक्ड अराउंड अस, हमने अपने चारों तरफ देखा. देयर वर ट्रीज एवरीवेयर, वहाँ हर तरफ क्या थे बच्चों, पेड़ थे. द कैंप साइट वॉज इन फार, कैंप साइट दूर नहीं था, बट वी हैड नो आइडिया विच डायरेक्शन टू टेक, लेकिन हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना था. आई थिंक वी आर ऑलरेडी लॉस्ट, मुझे लगता है हम तो ऑलरेडी खो चुके हैं. रोहित सेड हाउ आर वी गोइंग टू गेट बैक, अब हम वापस कैसे जा रहे हैं, नोबडी नोज वेयर वी आर, किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं. आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वी हर्ड अ नॉइस, हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ शोर सुनाई दिया. इट वॉज समीर, ये कौन था, समीर. समीर कौन था बच्चों, उनका गाइड. यस एंड ही वॉज एंग्री, और वो गुस्सा था. यू आर वेरी लकी, तुम बहुत लकी हो, ही सेड, बट वी वर वेरी हैप्पी, वो गुस्सा था लेकिन हम बहुत खुश थे. वी आर नेवर गोइंग टू फॉलो मंकीज अगेन, हम दोबारा मंकीज को फॉलो नहीं करने वाले हैं. वी प्रोमिस्ड, हमने प्रोमिस किया. समीर लाफ्ड, समीर
हंस दिया. ओके सो अब पहले तो हम इसका एक टाइटल सजेस्ट करते हैं बच्चों. क्या टाइटल रखना चाहते हैं आप? जंगल वाइल्ड लाइफ स्टोरी. यस ओके चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है बच्चों. वेयर वॉज द ऑथर एंड हिज ब्रदर गोइंग फॉर हॉलीडेज. तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है आंसर? जंगल वाइल्ड लाइफ. द ऑथर एंड हिज ब्रदर वॉज गोइंग फॉर जंगल वाइल्ड लाइफ हॉलीडेज. What stupid thing did the two brothers do one morning? दोनों भाइयों ने एक सुबह क्या stupid चीज करी? That they left the campsite and went for taking photographs of monkey. क्या करी जैसे उन्होंने, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, they left the campsite and went to take photograph of monkeys, right? So, which animal's photo did they want to take? कौन सा animal था बच्चों? Monkey. किसकी photo लेना चाहते थे? Monkey की. At last, who found the two brothers? समीर. कौन था समीर? देयर गाइड. ओके सो हमें मिल गए सारे आंसर्स इन क्वेश्चंस के. सो वी गो अहेड नाउ. रीड द टेक्स्ट अगेन. दोबारा इस टेक्स्ट को पढ़ो जो आपको दिया हुआ है एंड राइट ट्रू फॉर द करेक्ट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके सो हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है यहां पर. Author with six other people was in the jungle. नहीं, उसके साथ समीर भी था, उसका भाई भी था. So this is false, right? Author and Rohit went into the jungle early in the morning. Yes, this is true. वो सुबह सुबह उठ के चले गए थे जिससे किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं. They wanted to explore the jungle. No, they wanted to take photograph of monkeys. Everywhere looked the same in the jungle. Yes, because everywhere there were trees. हर तरफ वहां पेड़ थे तो सब सेम दिख रहा था. They waited for 2 hours in the rain. नहीं, रेन तो नहीं हुई थी, right? But they waited for 2 hours. लेकिन रेन तो नहीं हुई थी, right? चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने आंसर्स ठीक दिए हैं. तो हम वापस जाते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ. ओके चलो. यस सो यहां पर लिखा है आफ्टर 2 hours वी हर्ड अ नॉइस. कोई रेन की बात नहीं है तो रेन नहीं थी, राइट. चलिए आगे चलते हैं. हमारी सी एक्सरसाइज भी हो चुकी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.